हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू अफेयर टीवी। ये कहानी अब दिलचस्प मोड पर पहुंचती जा रही है। एरिका को $25 मिलियन मिलने हैं मार्क से मिले उस लिस्ट के बदले में, पर इसके साथ एरिका अब कौन सा बड़ा गेम खेलने वाली है। वो एना से मिलती है। एना बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एरिका कहती है कि ये चाइल्ड किसका है। एना कहती है कि उसने अपने फेवरेट क्लाइंट के साथ संभोग किया और अब वो बच्चे को जन्म देने वाली है। एना बड़ी खुश है कि अब एरिका, एना और उसके बच्चे की फैमिली होगी, पर एरिका इन सब से इनकार करती है। वो कहती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। यहाँ एना उसे मनाने की कोशिश करती है। वो एरिका के हाथों को अपने स्टमक पर रखती है, पर एरिका कुछ खास खुश नहीं दिख रही। एरिका बाद में पीटर से मिली है। पीटर कहता है कि वो उसे एक हफ्ते में $25 मिलियन ट्रांसफ़र कर देगा। इसके बदले में एरिका ने उसे सारी लिस्ट दे दी है। अब एरिका एना के पास पहुंची है। एरिका की लाइफ में अब एना की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एना उससे कहती है कि हम बहुत जल्द अपनी फैमिली को और बड़ा करेंगे। एरिका कहती है कि कौन सी फैमिली है? अब सब कुछ हमारे बीच खत्म हो चुका है। आज हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। एना यह सुनकर दुखी हो जाती है। वो एरिका को मनाना चाहती है। पहले तो उसे किस करने लगती है, धीरे धीरे उसे निर्वस्त्र करके उसके साथ चुंबन क्रिया करती है। वो एरिका का मुख मैथुन भी करने जाती है, पर एरिका उसे धकेल देती है। वो कहती है कि आज के बाद से तुम मुझसे मत मिलना। एना यहाँ फूट फूट कर रोती है, पर एरिका यहाँ से चली गई। एरिका बाद में डायरा से मिली है। डायरा से वो कहती है कि एना एक डैमेज लड़की है, उसके साथ रहना खतरनाक है। डायरा बड़ी खुश है कि उसकी एरिका वापस आ गई है। ये दोनों अपने रिश्ते को फिर से शुरू कर रहे हैं। इधर एना है जो कि बार बार एरिका को फ़ोन किए जा रही है। एरिका उसका फ़ोन काटे जा रही है। एना ने कई वॉइस मेल भी भेजे हैं, पर एरिका ने किसी भी वॉइस मेल का कोई जवाब नहीं दिया। अंत में एना को एरिका के ऑफिस पहुंचना पड़ा है। यहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे एरिका से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट एरिका के ऑफिस में फ़ोन लगाती है। इसके बाद उसने एना को बताया है कि एरिका यहाँ ऑफिस में नहीं है। एना समझ चुकी है कि उसके साथ झूठ बोला जा रहा है। वो ज़िद पर अड़कर यहीं बैठ जाती है। फाइनली यहाँ एरिका की असिस्टेंट सेंड्रा आती है। वो भी यही कहती है कि एरिका यहाँ नहीं है। एना कहती है कि वो बिना एरिका से मिले यहाँ से नहीं जाने वाली। सेंड्रा आकर एरिका को ये सब बताती है। एरिका कहती है कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। वो सिक्योरिटी को बुलवा कर एना को यहाँ से निकलवा देती है। एना काफ़ी दुखी है। वो घर आकर इतनी दुखी होती है कि किचन में ही सो जाती है। इसके बाद वो अपने क्लाइंट के साथ संभोग कर रही है। उसका क्लाइंट बड़े हिंसक तरीके से उसके साथ संभोग करता है, पर एना को इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ एरिका के बारे में सोची जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस समय कहाँ पर है। वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। शाम को हम देखते हैं कि एना ने एरिका को फॉलो किया है। एरिका जैसे ही अपने अपार्टमेंट में घुसती है, तुरंत एना यहाँ चली आती है। वो एरिका से माफ़ी मांगती है। वो एरिका को किस करने लगती है। एरिका भी उसे किस करती है, पर तभी यहाँ डायरा आ जाती है। डायरा को एरिका गले से लगाती है। ये सब देखकर एना बड़ी दुखी होती है। वो रोते हुए यहाँ से बाहर आ गई है। एना को नहीं मालूम कि अब वो आगे क्या करेगी। इधर हम एरिका को देखते हैं जो कि कुछ टेंशन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसके इसी सस्पेंस पर ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब हमें आगे पता चलेगा कि एना एरिका के साथ क्या करने वाली है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए।